सहारनपुर से हैं मंजू पुरोहित जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद पुरोहित जी, बताइए क्या सेवा है। नमस्कार हकीम साहब, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए गौन मोरिंगा मंगाया था बालों के लिए, और मेरा बेटा इतना परेशान हो गया था अंग्रेजी दवाइयां करके 2-3 महीने, और उसके बाल झड़ने शुरू हो गए थे। उसकी उम्र 21 साल है। वो घबरा गया था, कह रहा मम्मी लड़कों के बाल झड़ना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने फिर आपका प्रोग्राम में पिछले 1 साल देख रही हूँ, मैंने गौन मोरिंगा मंगाया। मैं यकीन नहीं कर सकती, डॉक्टर साहब एक चमत्कार हो गया। उसके बाल ऐसे जैसे टोकरा रख दिया हो, मैंने पटवा ले, कह रहे बड़े दिनों में बाल देखने को मिल गया, इसे आने दो। तो वो अभी बाल अभी भी नहीं कटवाया उसने। तो अच्छा। रहा तो भगवान कोई लंबी उम्र दे डॉक्टर साहब। मैं आप एक फरिश्ते हो धरती पर, मतलब भगवान ने आपसे एक फरिश्ते के रूप में भेजा है। वही, हम तो बड़े खुश हो गए, हम तो बड़े खुश हो गए आपकी बात से, बच्चे के बात से। कि हाँ जी, आप दोबारा कहिए। देखिए सारा हिंदुस्तान, बल्कि ये अमेरिका और कहाँ कहाँ सुना जाता है, आप करोड़ों लोग देखते हैं, ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। डॉक्टर साहब मेरा जो बेटा है ना, भगवान की दया से बहुत ही मतलब सुंदर स्मार्ट है, मतलब उसकी 5-9 के बराबर, उसके बाल बहुत घने थे, लेकिन वो दिल्ली गया ना, उसके बाल झड़ने लगे थे। वो जब वहां से वापस आ गया कोरोना के उसमें, तो उसके बाल इतने झड़ रहे हर जगह बाल। वो घबरा गया, कह रहे हैं मम्मी लड़कों के बाल झड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं भी घबरा गई, फिर उसने अंग्रेजी डॉक्टर से नाम कराया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, पैसे बहुत गए। फिर मैंने आपका प्रोग्राम देख के उसके लिए गौन मोरिंगा मंगाया। तो उसको मैंने 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उसको आराम होने शुरू हो गया। अब 1 महीने से सिर पे इतने बाल है, बिल्कुल उसे टोकरा रख दिया। मैंने कहा बेटे हाँ जी कटवा ले, कह रहा नहीं मम्मी तो देखने दो मुझे, मैं देखने के लिए तरस गया। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।